Hi guys, I am Maizali. In this animated video, we will talk about the structural formula of caffeine and the animation of caffeine molecule. First of all, we will look at the structural formula of caffeine. This is the structural formula of caffeine. Animation of caffeine molecule. Uses of caffeine के इस्तेमाल. अगर फर्स्ट यूज़ देखा जाए caffeine का, caffeine is used to restore mental alertness or wakefulness during fatigue or drowsiness. caffeine सबसे पहला काम ये करती है कि आपके mental को alert कर देती है, active कर देती है, क्योंकि ये एक किस्म का नशा है और ये आपकी थकावट को दूर कर देती है. एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, चाय के अंदर कैफीन होती है. बहुत सारे लोगों को थकावट महसूस होती है, वो चाय का एक कप पीते हैं और उनकी थकावट दूर हो जाती है. अब इसके बाद अगर सेकंड यूज़ देखा जाए, कैफीन इज़ आल्सो फाउंड इन सम हेडेक एंड माइग्रेन मेडिकेशंस, के सर दर्द वाली मेडिसिन में भी कैफीन का इस्तेमाल हो रहा है. आपको इसको फिर वही चाय वाली एग्जाम्पल, चाय में थोड़ी सी मिकदार में कैफीन मौजूद होती है. बहुत सारे लोगों को सर का दर्द होता है, वो चाय पीते हैं कप और सर का दर्द उनका सही हो जाता है. अब चाय के अंदर भी कैफीन थोड़ी सी मिकदार के अंदर मौजूद होती है, जो कि सर के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, हो रही होती है. अब यही काम हम मेडिसन्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कैफीन को सर के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद डाइट्री सप्लीमेंट यूज फॉर वेट लॉस एंड इन मैनी पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक्स, और इसको बहुत सारे पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है. मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, स्टिंग. अगर स्टिंग के बाहर इंग्रेडिएंट देखेंगे तो वहाँ पे कैफीन लाजमी लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि कैफीन हाई मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में पाया जा रहा है. इसलिए जो हामला औरतें हैं जिनका इन फ्यूचर बेबी होने वाला है, वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें. थर्ड यूज़ देखें, कैफीन सिगरेट इज़ अवेलेबल फॉर प्रिकॉशंस ओनली. कैफीन के सिगरेट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही दिया जाता है. ये थे हमारे पास चंद एक इस्तेमालात कैफीन के. सिर्फ सिंपल बात आपने ये याद रखनी है, कैफीन एक नशा है सी, और नशा हमेशा इंसान को थकावट, जहन के या दिमागी परेशानी से दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा.